हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे टॉम्बो के इस ड्यूअल होल शार्पनर का। ये शार्पनर मुझे हॉबीक्राफ्ट ने भेजा था, सो देखेंगे कैसा ये शार्पनर है, कैसी पेंसिल्स इससे शार्प हो पाती हैं। सो अब जल्दी से रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टॉम्बो के शार्पनर के लुक्स की। तो लुक्स यहाँ पर काफी ठीक ठाक है, ना तो ज्यादा अच्छे हैं ना तो ज्यादा बुरे हैं। यहाँ पर जो इसकी पैकिंग है वो एक प्लास्टिक रैपर में आपको देखने को मिलती है और उस पैकिंग पर ज्यादातर चीजें आपको जापानीज लैंग्वेज में देखने को मिलती है और इसके रैपर पर किस तरह से शार्पनर को यूज करना है उसके बारे में मेंशन किया गया। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शार्पनर को इसके रैपर से बाहर निकालता हूँ और एक्चुअल में शार्पनर कैसा है वो देख लेते हैं। सो जैसा कि आप लोग सकते हो शार्पनर यहाँ पर काफी ठीक ठाक क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है बट हाथ में पकड़ के बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक फील नहीं होता, ये काफी प्रीमियम लगता है। और साथ ही इसके ऊपर की जो ये लिड है ये भी इस तरह से हट जाती है। एक शार्पनर से आप स्मॉल पॉइंट पेंसिल शार्प कर सकते हो और एक शार्पनर थोड़ा बड़ा है तो उससे आप लॉन्ग पॉइंट पेंसिल शार्प कर सकते हो। और साथ ही इसकी जो ये ट्रांसपेरेंट लिड है इसकी सबसे टॉप साइड पर लिखा है टॉम्बो, यानी कि इसका जो ब्रांड है। और साथ ही इस लिड पर दो पेंसिल की फोटोग्राफ है, एक पेंसिल थोड़ी लॉन्ग पॉइंटेड है और एक थोड़ी शॉर्ट पॉइंटेड है। तो यहाँ पर इसके लुक ज्यादा कुछ खास नहीं है, मुझे भी ठीक ठाक ही लगे, बाकी नॉर्मल शार्पनर्स की तरह ही हैं इसके लुक्स। सो इस शार्पनर का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा ही है एक छोटे से शार्पनर के लिए। बाकी यहाँ पर ये इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका जो ब्रांड है टॉम्बो वो काफी ज्यादा ही पॉपुलर ब्रांड है, साथ ही ये मेड इन जापान प्रोडक्ट है तो हो सकता है उस वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल को शार्प कर रहा हूँ और इसके ब्लेड्स काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी इजीली मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिल्कुल भी रफनेस फील नहीं हो रही, काफी स्मूथली इसका ब्लेड शार्प कर दे रहा है। बाकी जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसका स्मॉल पॉइंट वाला जो शार्पनर है उससे तो काफी बढ़िया स्मॉल पॉइंट हमारी पेंसिल शार्प हो चुकी है। सो यहाँ पर बाकी की ग्रेफाइट पेंसिल्स को मैं लॉन्ग पॉइंट शार्पनर से शार्प करके देखता हूँ कि किस तरीके का ये वाला शार्पनर है। सो यहाँ पर इसका लॉन्ग पॉइंट शार्पनर भी मुझे काफी बढ़िया लगा, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, काफी बढ़िया पेंसिल्स में लॉन्ग पॉइंट शार्पनिंग हम लोगों को देखने को मिल गई है। मेरे पास यहाँ पर आर्ट लाइन की डार्क 8B ग्रेफाइट पेंसिल है और साथ ही कैमलिन की 10B पेंसिल है, तो आपको पता ही होगा कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है इनकी लीड, जिसके कारण इनमें काफी ज्यादा लेड ब्रेक देखने को मिलता है। तो जल्दी से इनको भी शार्प करके देखते हैं कि इनमें हमें लेड ब्रेक देखने को मिलता है या नहीं इस शार्पनर का यूज करके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल्स को भी काफी अच्छे से शार्प कर पाया, बिल्कुल भी लेड ब्रेक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो अब हम लोग सबसे ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल को इससे शार्प करके देखते हैं, यानी कि अपनी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को इस शार्पनर का यूज करके शार्प कर लेते हैं। तो देखेंगे कि इस वाली पेंसिल में हमें लेड ब्रेक देखने को मिलेगा या नहीं, वैसे इसमें लेड ब्रेक काफी बार होता ही है। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को भी पहली बार में तो अच्छे से शार्प नहीं कर पाया, यहाँ पर हम लोगों को लेड ब्रेक देखने को मिल गया है। सो अब मैं अगेन इस वाली पेंसिल को शार्प करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि हमें दूसरी बार लेड ब्रेक देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस बार हमें लेड ब्रेक देखने को नहीं मिला, काफी बढ़िया इस पेंसिल को भी शार्पनर ने शार्प कर दिया है। सो ओवरऑल काफी बढ़िया इसने पेंसिल्स को शार्प कर दिया, आप भी देख सकते हो काफी अच्छा पॉइंट हम लोगों को देखने को मिला है अपनी सभी पेंसिल्स में। सो बस यही था इस शार्पनर का रिव्यू, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब अप्सरा वाले शार्पनर से ही काफी बढ़िया पेंसिल शार्प कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो और एक्सपेंसिव ड्राइंग पेंसिल्स को यूज करते हो तब तो आपको इस शार्पनर को डेफिनेटली यूज करना चाहिए ताकि आपकी एक्सपेंसिव ड्राइंग पेंसिल्स में लेड ब्रेक ना हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।